आप देख रहे हैं एसके टीवी। दोस्तों, मक्का और मदीना शहर हर मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा अहम और मुकद्दस तरीन शहर हैं, और इन शहरों का मकाम और प्रोटोकॉल भी तमाम शहरों से अलग है। और ये प्रोटोकॉल यहाँ के रहने वाले लोगों ने नहीं दिया और ना ही दुनिया भर के मुसलमानों ने, बल्कि ये प्रोटोकॉल तो अल्लाह सुबहाना व ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों पर लागू फरमाया है। और वो हुक्म ये है कि इन दोनों शहर में कोई भी गैर मुस्लिम या मुशरिक इन मुकद्दस मकामात पर हरगिज़ नहीं आ सकता। यही वजह है कि कुरान करीम की सूरह तौबा की आयत नंबर 28 में अल्लाह सुबहाना व ताला इरशाद फरमाता है कि मोमिनो, मुशरिक तो पलीद हैं, तो इस बरस के बाद वो खाने काबा के पास ना जाने पाएँ, और अगर तुमको मुफलिसी का खौफ हो तो अल्लाह चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी कर देगा, बेशक अल्लाह सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। दोस्तों, इस आयत मुबारक में अल्लाह सुबहाना व ताला ने मुसलमानों को वाज़े हुक्म दिया है कि मस्जिद हराम में गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। और दोस्तों, मुसलमानों के नज़दीक मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दोनों की अहमियत बहुत मुकद्दस है, और यही वजह है कि इन दोनों मकाम को हरमैन शरीफैन कहा जाता है। दोस्तों, हम लोगों ने ये बचपन से ही सुन रखा है कि मुसलमानों के मुकद्दस मकामात यानी मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है, और ये हुक्म अल्लाह सुबहाना व ताला ने इन मकामात के तकद्दस की वजह से दिया है, क्योंकि अगर यहाँ हर तरह के सयाहों को दाखिले की इजाज़त मिल जाए तो ये जगह भी यूं ही नाच गाने का मरकज़ बन जाएगी। मगर दोस्तों, कुछ दिनों पहले इंतहाई शर्मनाक और मुसलमानों को तकलीफ़ में मुब्तला कर देने वाला वाकया पेश आया, और तारीख इस्लाम में पहली बार इंडिया की एक गैर मुस्लिम मिनिस्टर स्मृति ईरानी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर हैं, उन्होंने शहर मदीना का दौरा किया। बल्कि ये गैर मुस्लिम खातून मस्जिद नबी के सहन, जबले अहद और तारीख इस्लाम की पहली मस्जिद यानी मस्जिद कुबा का भी दौरा करती देखी जा सकती हैं। मुतनाज़ा समझी जाने वाली भारतीय अक़लियती उमूर की वजीर स्मृति ईरानी ने मदीना मुनव्वरा का दौरा किया है, जहां उन्होंने हज 2024 के लिए भारत और सऊदी अरब के माबैन मुहादे पर भी दस्तखत किए। Minister for Minority Affairs Smriti Irani has recently visited Medina during her two-day trip to Saudi Arabia. She's been accompanied by Minister of State for External Affairs V Muralidharan. Dosto, jabki ye aurat Smriti Irani musalmanon ki sakht dushman hai aur India mein musalmanon ke sakht khilaf aur un par mazalim karne wali party BJP ki rukun hai, aur jab se is aurat ne Medina Munawwara ka visit kiya hai to musalmanon ne is gair muslim aurat ka is paak aur muqaddas sarzameen ke visit par सोशल मीडिया पर काफ़ी वबाल मचाया, और इस इकदाम पर सऊदी हुकूमत पर बहुत तनकीद की। और दोस्तों, तनकीद होनी भी चाहिए, क्योंकि ये औरत मुसलमानों से सख्त नफरत करती है, और इस औरत के इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के बयानात आज भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, जबकि ये वो पहली गैर मुस्लिम औरत बन चुकी है जो सऊदी हुकूमत की वजह से आपको इस शहर मुकद्दस में बिना दुपट्टे के सरेआम घूमती फिरती नज़र आ रही है। इस अमल पर सऊदी हुकूमत को बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस गैर मुस्लिम औरत का इस मुकद्दस शहर में घूमना मुसलमानों को सख्त नापसंद आया, और इससे मुसलमानों की सख्त दिल आजारी हुई है। दोस्तों, सऊदी हुकूमत पिछले कुछ सालों से ऐसे ऐसे काम सर अंजाम दे रही है जो इस अर्ज़ मुकद्दस को आहिस्ता आहिस्ता मगरिब परस्त बनाने पर तुले हुए हैं। तमाम इस अमल की वजह से उन्होंने बराए रास्त रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की इज्जत को पामाल कर दिया। मगर सोशल मीडिया और लोगों की बे इंतहा तनकीद के बाद अब उस जगह को गुसल देकर पाक किया जा रहा है जहाँ ये नापाक औरत खड़ी हुई थी। आप भी इस वीडियो में देखिए। स्मृति ईरानी जी जो आई थी वो यहाँ बिल्कुल यहाँ करीब तक आई थी, बिल्कुल हरम के करीब तक आप देख सकते हैं। तो उस जगह को अभी धुलाई काम चालू है, धुलाई हो रहा है। जहाँ तक स्मृति ईरानी आई थी जो है, जहाँ तक घूमी थी, वो जगह का जो है धुलाई का काम चालू है, सफाई हो रहा है वो जगह, उतना धुलाई का काम चालू है। स्मृति ईरानी यहाँ तक आई थी, आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये पहला वाकया नहीं, इससे पहले भी कई गैर मुस्लिम टूरिस्ट मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर चुके हैं, और आप इस वीडियो में साफ देख सकते हैं कि कुछ अरसे पहले कुछ लड़कियां नाज़ेबा लिबास पहनकर मस्जिद नबी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही थी, मगर उनको दाखिल होने से रोक लिया जाता है।
इसी तरह एक यहूदी बैन तेजान ने मस्जिद नबवी के अंदर खड़े होकर अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड करके सबको हैरान कर दिया। हालांकि तमाम वाकया सऊदी हुकूमत की मर्जी के खिलाफ थे, मगर आज ये सब उनकी इजाज़त से एक मामूल बन चुका है। और ये देखते हुए वो वक्त दूर नहीं जब मस्जिद नबवी में हम इन गैर मुस्लिमों को सैर व तफरीक करते हुए देखेंगे। माज़ल्लाह। अल्लाह सुबहाना व तआला से दुआ है कि हमारे इन मुकद्दस मकामात का तकद्दस अमाल होने से महफूज फरमाए। आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। अब मैं मिलूँगा आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।